रमजान खत्म होने वाला है और आने वाली है ईद। जी हाँ, जिस ईद का इंतजार सबको होता है, इस समय ईद के लिए बाजारों की रौनक बढ़ गई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, चारों ओर सेवइयों की भीनी भीनी खुशबू बिखरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारस के दाल मंडी की। यहाँ एक सेवइयों की दुकान पिछले 80 सालों से अपनी सेवइयों के लिए मशहूर है। सुनिए क्या कहते हैं दुकान के मालिक। 80 साल पुरानी दुकान है और लोग मेरी दुकान लोग ढूंढते हुए आते हैं। ये भी एक अल्लाह की मर्जी और आप लोग की दुआ है। कहाँ तक जाती है आपकी सेवई? बात करें सोना सेवई की तो कहाँ तक जाती है? समझ लीजिए हिंदुस्तान के हर कोने में मेरी सेवई जाती है। मेरी सेवई नहीं जाती है, मेरा इखलाक और मोहब्बत जाता है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। कहाँ कहाँ जाती है? क्या बाहर मुल्क में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग ले जाते हैं? पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हिंदुस्तान के कोने के बाहर भी मेरी सेवई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ सेवई नंबर के हिसाब से बिकती है। किसी को एक नंबर की सेवई चाहिए तो किसी को 8 नंबर की, पर सबसे ज्यादा डिमांड 0 नंबर की सेवई की है। महीने ने आए हर साल इसी जगह से लेते हैं। तो कैसी, मतलब पहले कितनी सेवई ले जाते थे और इस बार कितनी सेवई लेने आए? सेवई जितनी हमेशा ले जाते हैं 2 किलो, अभी आज भी ले जा रहे हैं भाई। तो सेवई में कौन सी सेवई ज्यादा पसंद की जाती है आपके घर? सबसे महीन वाली सेवई हम लोग ले जाते हैं हमेशा। कौन सी सेवई? इमामी सेवई। तो कैसी होती है, टेस्ट की अगर बात करें? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब होती है। ईद को अब बस चंद दिन ही बचे हैं और लोग खरीदारी के लिए दाल मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। हम लोग की पकड़ जो है सेमी की 20 रमजान के बाद ही होती है। अब सेमी की थोड़ा तेजी देखने को मिली, मगर हाँ सेमी की तेजी तो दिख रही है, मगर सेमी को थोड़ा महंगाई मार गई। जो पहले 2 किलो 4 किलो सेमी बनाने वाले थे, अब वो 2 किलो 1 किलो सेमी बना रहे हैं। हर चीज महंगा हो गया। एक तरफ ईद की खरीदारी बढ़ गई है तो दूसरी तरफ महंगाई की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बाजार तो गुलजार हैं, लेकिन खरीदार कम ही नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ की रिपोर्ट।